सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑगी मम्मा एंड मोलू, वी आर एंजॉयिंग आवर स्विंग। कल से जो है मैंने अपने रूटीन में थोड़े चेंजेस किए हैं, सो अभी 8:30 हो रहा है बट ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। सो चलिए आपको पहले ब्रेकफास्ट दिखाया जाए, उसके बाद मैं अपने काम निपटाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन मेरा पूरा फैल रहा है अभी, सो इग्नोर इट। ये बन चुके हैं बढ़िया सांभर और इडली भी रेडी है। और ओगी बेटा यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। और ओगी कब से स्विंग में है? योगा नहीं करोगे बेटा आज? योगा नहीं करोगे? नो, ओगी को जब से सोकर उठा यहीं पे बैठा है, हिल भी नहीं रहा। मज़ा आ रहा है हाँ? तो तुम मज़ा करो, हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, कुकिंग करने के लिए। मैं किचन में प्रवेश कर चुकी हूँ, तो आज ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि सांभर बनाते मॉर्निंग में हमेशा की मेरी जो आदत है ज़्यादा बना देना, तो बच गए थे। तो राइस बनाने वाली हूँ, सांभर राइस खाए जाएंगे। और मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह जब मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सांभर में ड्रम स्टिक डाली थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो जब बच गई थी तो उसको कुछ यूज़ कर लिया जाए फेंकने से अच्छा, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना देते हैं। और वो राइस के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ तो ड्रम स्टिक की सब्ज़ी नहीं खाई जा सकती। तो हो गया काम ईजी, तो फटाफट से अब मैं अपनी वेजिटेबल बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। अगर बंगालीस लोग तो बहुत खाते हैं ड्रम स्टिक, साउथ इंडियन भी बहुत खाते हैं, बट दूसरे जो आई थिंक नॉर्थ इंडियन साइड वाले, वो सिर्फ उनको यही पता होगा कि सांभर में डलती है ड्रम स्टिक, बट उसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो चलिए फिर बनाते हैं। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, ओवर हो गई थी, इससे मैंने गैस ही बंद कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया इसको। अब ये देखिए ड्रम स्टिक, और मैंने ये पोटैटो ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं ड्रम स्टिक की तरह लगने लगे, इसलिए अब तो बस मैं पहले ये आलू और ड्रम स्टिक जो हैं उनको ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। फ्राई करते करते ही थोड़ा ये कुक भी हो जाए ना अच्छे से तो सही रहता है, और तो बाद में आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे आज मैं जो है थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। मैं पहले उसको बिना प्याज लहसुन के ही बनाती थी, बट आज सुबह बच गई थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। और कुकिंग में एक्सपेरिमेंट मस्ट है, अगर आप कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, ठीक है उससे कुछ नया बन जाएगा शायद, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ। और ये मैंने सरसों भिगा के रखे थे, इसको हम छान के इसमें डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैं डाल दूँ सरसों, अब इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये हो गए हैं थोड़े से फ्राई, और अब मैं इसमें अपना ये जो पेस्ट बनाया है ये ऐड कर दूँगी। और अभी मैं इसमें थोड़े मसाले भी ऐड कर दूँगी, मुझे ग्रीन चिली डालनी थी, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता बट मैं भूल गई, इट्स ओके। और मेरे रेगुलर मसाले और रेड चिली भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं। वैसे ये ग्रीन चिली के साथ बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, रेड चिली की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अब मैं भूल ही चुकी हूँ तो फिर रहने दो, ऐसे ही डाल दिया। अब आराम से इसको कुक होने देंगे, देन हो गया रेडी थोड़ी देर में। ड्रम स्टिक की सब्जी रेडी, सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं। देखिए आलू भी
से रेडी है, थोड़ी ड्राई ड्राई ऐसे रहती है तभी मजा आता है खाने का। सो रेडी लंच। स्लोली ईट, चू योर फूड प्रॉपरली, जस्ट डोंट स्वॉलो। So it's 2 o'clock. Augie and me, we are eating our food, but his father went to office. He is not at home. आज मैं ये ड्राई फ्रूट का जो मेरा बॉक्स है इसको मैं अपने पहले वाले घर में यूज़ किया करती थी ड्राई फ्रूट के लिए, फिर वहाँ पे आने लगे इस बॉक्स के अंदर कॉकरोच, तो मैंने बंद कर दिया था रखना, बट यहाँ पे कॉकरोच नहीं है तो फिर से मैं इसको फील कर रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स हमेशा ना आप इजीली रिच रखिए ताकि आप एटलीस्ट दिन में एक बार तो ड्राई फ्रूट्स खा सकें, वरना ऐसे होता है कि यार जार्स में पड़े रह जाते हैं, हमारे पास इतना कभी कभी टाइम ही नहीं होता कि निकालें खाएं वो करें, उस चक्कर में जो हमारा ड्राई फ्रूट्स खाना रह जाता है जो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए खाना। मैं भी बहुत लेजी हो जाती है, कौन निकालेगा डालेगा खाएगा, इससे अच्छा रहने ही दो। तो इसीलिए ये बॉक्स जो होते हैं इस टाइप के बॉक्स इजीली होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं इंडिया में, तो इंडिया का ही है ये, और यहाँ पे भी मिलते होंगे आई थिंक, मे बी इन डिफरेंट वे डिफरेंट टाइप के, तो ऐसे रख लीजिए और दिन में एक बार ज़रूर याद करके ड्राई फ्रूट्स खाइए। ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स रेडी, फटाफट से निकालिए ड्राई फ्रूट्स, खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए और सबको खिलाइए घर में। मैंने लो कैलोरी स्नैक बनाया था, ये टी टाइम के लिए बिल्कुल बेस्ट है, बस क्वांटिटी का हमको ध्यान रखना है। सो इसकी जो रेसिपी है बहुत जल्दी ही मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, ज़रूर बना के रखिए और शाम को अपने चाय के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही हेल्दी टेस्टी लो कैलोरी हमारा होम मेड स्नैक। तो चलिए इनको देकर आती हूँ अब मैं। मैं आज में बोल लगी कि तुम सुबह से इसमें बैठी हो नहीं, तो मैं बोली कि यार टाइम मिलेगा तब तो इंसान बैठे, तो बोलते अब ये ऐसे ही पड़े रहेगा, मंगवा तो लिया है बट तुम बैठोगी नहीं। तो मैं बैठ के बोली कि अब मैं बैठ रही हूँ और बैठ के मैं इसमें ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, तो इनको ये ना लगे कि इनके पैसे वेस्ट हो गए। Hey, how can you do study in swing, beta? I can. I put some two dates for you there in the kitchen chair. ये झूला हम दोनों का वेट नहीं उठा पाएगा लग रहा है, हम दोनों मोटे मोटे बैठ गए हैं इसमें, ये इसकी कुर्बानी ना हो जाए कहीं, ये बलिदान ना हो जाए आज। What is the biggest animal? Biggest mammal is. आगे कर रहे अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें और मैं अपना काम कर रही हूँ। यार क्या दिन आ गए हैं फ्रेंड्स को, मतलब वीडियो कॉल में बात करनी पड़ रही है, और एक हम थे दिन भर या तो फ्रेंड्स के यहाँ पड़े रहते थे या फ्रेंड्स के साथ कहीं रास्ते में कहीं ग्राउंड्स में ऐसे पड़े हुए खेलते रहते थे, और इनको देखो ना खेलना है ना कुछ, बेचारे वीडियो कॉल में बात करके ही अपने दिन काट रहे हैं। क्या दिन आ गए रियली, फ्रेंड्स के मिलना तो दूर की बात है, खेलना मिलना सब दूर हो गया है, बात ही कर ले अगर वीडियो कॉल में वही बहुत हो गया है आजकल। तो चलिए फिर अपना काम खत्म कर लेती हूँ मैं। डिनर के लिए बने हैं पनीर की भुर्जी और रोटी खाई जाएगी। तो ओगी महाराज कर रहे हैं कलरिंग, कलरिंग कर रहे हैं कि no, क्या कर रहे हैं? कलरिंग, पेंटिंग। ओ पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग। ये देखिए इधर ऑगी को डांट भी पड़ रही है और समझाया भी जा रहा है कि पानी पीना चाहिए, वो बहुत कम पानी पीता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गर्मी है बट अंदर पता नहीं चलता है, तो प्यास लगती नहीं है, बड़ों को भी इतनी नहीं लगती, ज़बरदस्ती पीना पड़ता है, तो मैं इसको फोर्स करती हूँ तो भी ये पीता नहीं है, इसलिए इसको थोड़ी सी
डांट पिलाई जा रही है ताकि ये समझे कि वाटर पीना कितना इम्पोर्टेंट है। तो यूए में रहते हैं उनको पता है कि घर के अंदर ऐसे रहता है, ठंडा ही रहता है, तो पीने की पानी पीने की इतनी जो है प्यास आप फील नहीं करते हो, थर्स्टी फील नहीं करते हो। बट क्या करें, ज़बरदस्ती बच्चों को कितना मतलब कितने बार उनके सामने पानी लेके जाओ कि लो पी लो लो पी लो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए उसको थोड़ा समझा रहे हैं कि खुद से पिया करे। Calm down now. Now sleeping time? Yes, it is sleeping time. Don't want to sleep for entire night or what? ये मैं मेरी फ्रेंड है, उसको जब मैंने बताया कि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसने बहुत ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब वगैरह से इसका कुछ इलाज ढूंढा है, तो मैं वही इलाज ट्राई करने जा रही हूँ। Can I do इलाज? So उसमें एप्पल साइडर विनेगर को पूरे नाइट उसमें डाल के रखना है। इसे मुझे जो हुआ है उसका नाम मुझे पता चल गया, उसे बोलते हैं वार्ट। तो ये मुझे रात भर रखना है। तो मैं एक ऐसा टेप ढूंढ रही थी जिसमें स्टिक हो जाए, बट मिला नहीं, तो मैं बैंडेज के थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से कर दिया है बंद, अब एवरी डे करके देखूँगी मैं इससे कुछ फ़ायदा होता है क्या होता है। उम्मीद तो है कि होगा, कभी कभी मेडिसिन से फ़ायदा ना हो के होम रेमेडीज से जल्दी हो जाता है, और कभी कभी होम रेमेडीज से ना हो के मेडिसिन से हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अब हम सोने आ चुके हैं, तो हम आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय। डोंट ड्रिंक वाटर नाउ।